कितने उसमें वावेल होते हैं, कितने कॉन्सनेंट होते हैं, कुछ पता है आपको? बी सी डी एफ जी एस आई जे एल के एम एन ओ पी क्यू आई एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ये बताइए राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम श्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। काफी हमारे मित्र पूछते हैं कि भाई ये टी शर्ट कौन सी है, मंदिर बना करके बैठे हुए। एक्चुअली मेरे बैठने का कुछ तरीका ऐसा है कि नीचे जो लिखा है वो दिखाई नहीं देता है, और यह जो टी शर्ट है वो सनातन हाट पर उपलब्ध है, और हमने इस पर लिखा है कि हमारे मंदिरों को फ्री कर दिया जाए। फ्री करने का कारण क्या है? फ्री करने का कारण या कराने की जो हमारी मांग है उसका कारण यह है कि हमारे मंदिरों में ताकि गुरुकुलों की स्थापना हो सके। गुरुकुलों की स्थापना होगी तो वहां पर विचार क्रांति बढ़ेगी। भारत को भारतीयता की शिक्षा प्रणाली में रखना अत्यंत आवश्यक है यदि हमें इसको वापस से विश्व गुरु बनाना है। अधिकतर गुरुकुलों में आज भी सीबीएसई एनसीईआरटी का ही जो पाठ्यक्रम है वो चलता है, साथ ही साथ वहां पर गुरुकुलीय शिक्षा भी दी जाती है जिस प्रकार से डीए भी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर मदरसों का जिक्र आता है तो मदरसों के नाम पर जब छानबीन की बात होती है तो उस समय पर साजिद रसीदी जैसे लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इन लोगों को जो मदरसे में घुसे उनको मार पीट करके भगा दीजिए। भारत में इस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाएं जो कि शक के घेरे में है, यदि उनकी जांच होती है, यदि सीएम उनके ऊपर बुलडोजर चला दे, यदि अलकायदा से उनका सीधा कनेक्शन मिल जाए, तो क्या इस प्रकार की बयानबाजी करने का मौलानाओं को हक है? या फिर पुलिस को उनकी तशरीफ तोड़ करके गले में डाल देनी चाहिए? आप इस बात को हमें नीचे अवश्य बताइएगा कि इस प्रकार के सरीखे जितने भी मौलाना हैं उनका क्या हशर होना चाहिए, और क्या हमारे मंदिरों को सरकारों को फ्री नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि एक तरफ आप मदरसे के ऊपर पूरा पैसा लुटाते हैं जो कि अलकायदा आईएसआईएस का मॉडल इस भारतवर्ष के अंदर चलाते हैं, और दूसरी तरफ के जो श्रद्धावान लोग, जो भारतीय लोग, जिस भारत की किसी भी प्रकार से हानि नहीं चाहते हैं, नहीं सोचते हैं, उनके द्वारा दान किया गया धन जो कि वो अपने परमेश्वर या कहिए परमात्मा या कहिए भगवान या कहिए देवी देवता जिसको भी मान करके वो समर्पित करते हैं, उस पैसे को लूट करके आप जकात के पैसे मिलाकर के मदरसों के विस्तार और प्रचार में लगाते हैं, उस पैसे को आप कन्वर्जन के लिए ईसाई मिशनरियों को दे देते हैं। यह घोर पाप सरकार कर रही है। मदरसों का जब जिक्र आएगा तो उस समय पर हमें उन सभी मदरसों का भान होता है, संज्ञान आता है, जिन्होंने अब तक आतंकवादी संगठनों का पैसा लिया है, जिन्होंने अब तक आतंकवादी पैदा किए हैं। यदि आप एक रिपोर्ट के अनुसार जो कि इंडिया टीवी पर आई थी, जो मैंने पिछली बार भी दिखाई थी, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि 50% डोनेशन का जो पैसा है वो बाहर देशों से आता है और अज्ञात स्रोतों से आता है। यही नहीं, बच्चों को कुपोषित रखा जाता है, साथ ही साथ यहां से आतंकवाद की पढ़ाई कराई जाती है, और यहां पर पाठ्यक्रम वो पढ़ाया जाता है जो कि औरंगजेब के द्वारा भारत को गजवा हिंद बनाए रखने के लिए रचित किया गया था। आप मदरसों की कुछ वीडियोस क्लिप्स देखिएगा जिनमें कि मदरसा छाप मोमीन जो बच्चे या कहिए गिलमे जो हैं, इनको ये तलक नहीं पता है कि अल्फाबेट क्या होता है, इनको ये तलक नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। ये योगी आदित्यनाथ जी को राष्ट्रपति बता दे रहे हैं, और बाद में मौलाना लोग जो हैं इनको बचाने के लिए ऐसी बात कहते हैं कि इनका एडमिशन अभी हुआ है, जिन जिन से भी आपने इंटरव्यू लिया है, तो बाकी का इंटरव्यू दे दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफुर रहमान। किस क्लास में हैं आप? हिब्ज। जी, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये तो आपका कुरान शरीफ की आप यहाँ पे पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या विषय आपको पढ़ाया जाता है? इंग्लिश पढ़ाया जाता है, मैथ, उर्दू और अरबी। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाया जाता है आपको। इंग्लिश का पोएम वगैरह याद है कुछ आपको? जी बताएंगे। ये फंस गया सी एम जी, बताएं कौन से? जो भी आपको याद हो। कौन से बताएं? जो आपको याद हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद है कोई पोएम आपको? पोएम कौन वाले, कौन से बताएं जी? कौन से बताएं?
तू बोल रहे नारियल की शक्ल के। अब आपकी क्लास में कौन सा पढ़ाया जाता है? हे जी, इंग्लिश में पोयम आपको पढ़ाया जाता है? हम्म, तो वो बताइए। अच्छा, अल्फाबेट किसे कहते हैं पता है आपको इंग्लिश में? जी बस हवा निकल गई। कितने उसमें वावेल होते हैं, कितने कॉन्सनेंट होते हैं, कुछ पता है आपको? बी सी डी एफ जी एस आई जे एल के एम एन ओ पी क्यू आई एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। इसमें वावेल कौन है? वावेल इसमें वही बी सी डी एफ जी एस आई जे के एल एम। शाबाश। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं? जीके की भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी दुनिया में चल रही हैं, देश में चल रही हैं? हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाई यहाँ पर होती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बताइए, राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम श्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। आपको पता है राष्ट्रपति कौन है आपके? राष्ट्रपति वर्णमाला किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम आपसे बात करेंगे, जो तमाम बच्चे अभी आप बता रहे थे कि एक से लेकर के आठ तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर, लेकिन बहुत जो जनरल चीज़ें हैं वो बच्चों को नहीं पता, तो क्या मतलब इसको? सही है, आपका कहना सही है। ये दो बच्चे जिसे बोलने का इत्तेफाक हुआ वो भी नए आए हैं, इस वजह से इनको भी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन माशाल्लाह और बच्चे जो है इसके बारे में जानते भी हैं। अब तो सच बोल दे। तो मोमिनों ने ठान रखा है कि भारत को औरंगजेब के सिस्टम से पढ़ा करके अपने कदमों के नीचे लाना है। आपने पिछले कुछ समाचार भी सुनोगे जिनमें कि मदरसा छाप स्वयं कह रहे हैं कि हमें 2047 तक इसी मदरसा मॉडल के आधार पर चलते हुए हिंदुओं को घुटनों पर लाना है। अभी उत्तराखंड के सीएम साहब ने एक बात कही है कि हमें बहुत सारे मदरसों की जांच करनी है क्योंकि इनकी तरफ से हमें इस प्रकार के संदेह उत्पन्न हुए हैं। महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार के संदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जितने भी मदरसे हैं उनको डेमोलिश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जहां से भी भारत विरोधी घटनाएं उत्पादित होंगी या फिर भारत के लिए जिनके मन में जरा भी भाव नहीं है। और इस मामले में हम हिमंता जी की तो बात ही क्या करें कि उन्होंने तो वहां पर जितने भी इस प्रकार के मदरसे थे जहां पर गिलमे तैयार किए जाते थे थूक लगा करके, उन सब को समाप्त करने का कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है। और खुले टीवी पर उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि अलकायदा के इस प्रकार के अड्डे हम नहीं बनने देंगे। आज जी न्यूज पर दिए गए मेरे सबसे पहले इंटरव्यू जिसमें मैंने कहा था कि मदरसे नहीं बल्कि ये इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनके इस्लामिक कैंटोनमेंट्स हैं, वह जो बात मैंने कही थी, आज मुझे 3-4 राज्यों में मदरसों की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए कदम अपनी बात को कहने के बाद में आज गर्व महसूस होता है कि कम से कम एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से हमने ये बात रखी कि मदरसे के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और इस पर सरकारों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पर ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई जो भी होंगे, वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या, लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे, वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे, इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने तो ठान रखा है कि हमें अपने अंतिम सांसों तक इस आतंकवादी मजहब या कहिए इस विचारधारा से लड़ना है। आपको हमारा साथ देना है तो आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए और इसी प्रकार से अपने मंदिरों को सरकारों के चंगुल से छुड़ाने हेतु तथा इन
आतंक के कैंटोनमेंट से भारत को मुक्ति दिलाने हेतु अपना अभियान जारी रखिए, हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।